हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलजी टेलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जेंट्स कुर्ते की फिटिंग करना बताएंगे। तो जेंट्स कुर्ते की फिटिंग हम किस तरह से करते हैं, क्या तरीका होता है जेंट्स कुर्ते की फिटिंग करने का। तो दोस्तों, हमारे पास एक पुराना कुर्ता है, तो ये हमारा 36 साइज का है और इसको हम बनाएंगे 32 साइज का। तो हम आपको स्टेप बाई स्टेप इसमें समझाएंगे किस तरह से आपको इसकी कटिंग करनी है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से फिटिंग करना आ जाएगा। फिर भी आपको कहीं पर कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। और दोस्तों, जैसे आपको कुर्ते की कटिंग का वीडियो चाहिए या स्टिचिंग का वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर और सारी वीडियो देख सकते हैं। तो हमने बहुत सारी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। और दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में उन सारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, हम कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे देते हैं, वहाँ पर जाकर आप कुर्ते की कटिंग का वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको खोलेंगे, इसकी बाजू खोलेंगे, साइड खोलेंगे और इसकी जो पॉकेट है, इन सभी को हम खोलेंगे। तो इसको हम खोल लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमें इसको करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इस कुर्ते को पूरा खोल लिया है। इस तरह से इसकी हमने बाजू निकाल दी हैं। तो इस तरह से हमारी ये बॉडी जुड़ी हुई है। इसका इसमें बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट है। तो इस तरह से हमने इसको अलग कर लिया है, ये हमने दोनों बाजुओं को अलग कर लिया है और साइड पॉकेट को भी अलग कर लिया है। तो इसको अच्छी तरीके से प्रेस से हम सीधा कर लेते हैं कपड़े को। तो फ्रेंड्स, क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से हम फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो इसको हमें सेंटर से इस तरह से तोड़ना है। अच्छी तरीके से हमें इसको बिछाना है, बिल्कुल सेंटर पर बिछाना है। यहाँ से आपको देखना है, ताबीज हमारा बिल्कुल सेंटर पर आना चाहिए, या आप इस तरह से इसकी बटन भी लगा सकते हैं। तो इसकी हम बटन लगा देते हैं, जिससे हमें पार्ट को बिछाने में परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस पार्ट को बिछा लिया ही, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो इसको हम सबसे पहले कटिंग करेंगे, फिर इसके बाद हम बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग करने से पहले हम इसका जो है मेज़रमेंट समझ लेते हैं। तो इसकी जो हम लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 36 इंच, और 16 इंच इसका शोल्डर रखेंगे, 32 इंच इसका चेस्ट है और 30 इंच कमर है, 23.5 इंच बाजू की लंबाई रखेंगे। तो इस तरह से हमें इस मेज़रमेंट के हिसाब से इसको रखना है। तो यहाँ से जो है हमारी कंधी टूटी हुई थी, तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो इसकी लंबाई हमें रखना है 36 इंच। तो यहाँ से हम इस तरह से फीते को रखेंगे और 36 इंच पर मार्क करेंगे। आधा इंच का मार्जिन हम इसका बॉटम फोल्ड करने के लिए ले लेंगे इस तरह से। अब दोस्तों, हम इसके शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर है इसका 16 इंच, तो 16 का हाफ करेंगे हमारा हुआ 8 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ से नाप लेंगे 8 इंच प्लस आधा इंच का मार्जिन हम इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद दोस्तों, हम इसके आर्मोल का मार्क करेंगे। तो आर्मोल का मार्क हमारा सीने के हिसाब से होता है। तो इसका जो चेस्ट है वो 32 इंच है, 32 को फोर्थ भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 8 इंच। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से इस तरह से जहाँ से हमारी कंधी टूटी हुई हुई है, वहाँ से हम 8 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। इस वाले मार्क से हम क्या करेंगे दोस्तों, पौन इंच अंदर की तरफ ले लेंगे और इस तरह से हम क्रॉस में मार्क कर देंगे। चेस्ट का मार्क करेंगे, चेस्ट है 32 इंच, तो 32 का फोर्थ वाक करेंगे हमारा हुआ 8 इंच, प्लस हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे 9.5 इंच पर। इसके चाक का मार्क करेंगे, तो चाक का मार्क हम यहाँ से लगाएंगे 14.5 इंच पर। जितना मार्क हमने यहाँ पर किया हुआ है, उतना ही मार्क हम यहाँ पर कर लेंगे।
अब फ्रेंड्स हम बॉटम पर मार्क करेंगे, तो बॉटम पर मार्क हम किस तरह से करते हैं, जितना हमने हिप पर या चेस्ट पर मार्क किया हुआ है तो इस मार्क को नापेंगे। नापने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हम जैसे हमारा ये आ रहा है 9.5 इंच प्लस, तो बॉटम पर हम क्या करेंगे 1 इंच से लेकर 1.5 इंच ऐड कर लेंगे इस तरह से। इसमें हम सेव देंगे। यहाँ हमें राउंड में रखना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम सेव देंगे राउंड में इस तरह से, अच्छी तरीके से हाथ साध कर हमें यहाँ पर सेव देना है। तो इस तरह से हमने राउंड दे दिया है। राउंड देने के बाद दोस्तों अब हम पॉकेट का मार्क करेंगे, तो पॉकेट का मार्क हम यहाँ से करेंगे ऊपर की तरफ, तो करेंगे 1.25 इंच। और पॉकेट का जो मुँह रखेंगे वो रखेंगे 6 इंच का, या 6.25 इंच भी कर सकते हैं, तो इसमें हम 6.25 इंच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट में मार्किंग कर ली है। इसी तरीके से आप जितना भी आपका साइज़ है तो आप इस तरीके से कुर्ते को कट कर लेंगे, यानी आपका जो कुर्ता बड़ा है तो उसको छोटा कर लेंगे। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब दोस्तों हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट को बिछा लिया है। बिछाने के बाद दोस्तों जो हमने फ्रंट पार्ट का पल्ला कट किया हुआ था उसको हम इसके ऊपर बिछा लेंगे। इस तरह से हम बिछाएंगे। अब दोस्तों इसके बैक हम मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से जो हम मार्क लगाएंगे वो लगाएंगे 1.25 इंच का। तो इस तरह से हमारा जो बैक का अरमोल है वो 1.25 इंच बड़ा करता है, तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। अब दोस्तों इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम अच्छी तरीके से इसको मिला लेते हैं, जिससे हमें बाजू चढ़ाने में परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से हम इसको खोल कर रखेंगे और अच्छी तरीके से हम इसको मिला देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की। हम एक बार इसका आर्मोल नाप कर देख लेते हैं, फिर इसकी हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और इस तरह से नाप लेंगे। ये हमारा जो आर्मोल आ रहा है 8.25 इंच आ रहा है, तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। ये हमारी इसकी बाजू है, तो बाजू को हम इस तरह से बिछाएंगे। इस तरह से हम बाजू को बिछाएंगे, तो ये जो हमारा गड्ढा वाला हिस्सा है ये हमारा फ्रंट पार्ट की तरफ रहता है, तो जो चाक पट्टी वाला हिस्सा होता है वो हमारा बैक साइड की तरफ रहता है। तो इस तरह से बिछा लेंगे एक बाजू को और इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को इसी के ऊपर रख लेंगे। अब दोस्तों इसकी जो है बाजू की लंबाई हम रखेंगे 23.5 इंच। तो इस तरह से हम इसको नापेंगे, तो हम इस पर जो मार्क करेंगे वो करेंगे 24 इंच पर, और क्रॉस में हम जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 8.5 इंच पर इस तरह से। क्यों, इसका जो आर्मोल है वो हमारा 8.25 इंच है, तो हम इसमें 2 सूत बड़ा ही काट लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। करने के बाद दोस्तों हम इसमें अच्छी तरीके से राउंड दे देंगे इस तरह से। इस तरह से राउंड दे देंगे। राउंड देने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर भी थोड़ी सी फिटिंग देंगे, तो इस तरह से हम सेफर को लेंगे और यहाँ से अच्छी तरीके से इसमें सेप दे देंगे।
अब दोस्तों इसके फ्रंट पार्ट में हम गड्ढा देंगे, तो इस तरह से ये चाक पट्टी वाला जो हिस्सा है ये हमारा बैक साइड का है और ये फ्रंट साइड का हमारा हिस्सा है। तो इस तरह से हम फ्रंट साइड वाले हिस्से को रखेंगे, इस तरह से एक पार्ट को रखेंगे और इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी रख लेंगे। दोनों पार्टों में हम अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये हमारी साइड पॉकेट है, तो ये हमारी कंप्लीट है, तो यही हमारी साइड पॉकेट लग जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से हम कुर्ते की कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे कि इसको हम किस तरह से ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने जो है कुर्ते को ले लिया है, तो इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने पार्ट को खोलकर बिछा लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पार्ट में हमने चटके लगाए हुए थे तो उन चटकों से हम बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं, इस तरह से हमने इन चटकों को लगाया हुआ था। तो बॉटम को हम फोल्ड करेंगे, तो बॉटम हमारा दो बार में फोल्ड होता है। पहली बार में हम इसको कच्चा करेंगे, फिर दूसरी बार में हम इसको पक्का फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम इसको लौटेंगे और एक बार कच्चा फोल्ड कर लेंगे। कच्चा फोल्ड करने के बाद दोस्तों जहां पर हमने चटका लगाया कर बॉटम को फोल्ड किया था वहां पर ही हम चटके को लगाएंगे थोड़ा सा, और दूसरी बार भी हम इसको पक्का फोल्ड करेंगे और सिलाई को लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो बॉटम है वो फोल्ड हो गया है, देखिए एकदम अच्छी तरीके से आया है। आपको इसी तरीके से फोल्ड करना है बॉटम को। अब फ्रेंड्स हम इसकी बाजू को अटैच करेंगे, तो इस तरह से हम इसको रख लेंगे। रखने के बाद दोस्तों इस तरह से हम बाजू को ले लेंगे। एक बार हम नाप कर देख लेते हैं कि बाजू हमारी कितनी बैठ रही है। तो इसकी जो बाजू है वो एकदम परफेक्ट आ रही है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो बाजू का गड्ढा वाला हिस्सा होता है वो फ्रंट पार्ट की तरफ रहता है और जो ओबरा हुआ हिस्सा होता है वो हमेशा बैक साइड में रहता है। तो इस तरह से हम बाजू को रखेंगे, यानी जो बाजू है हमारी वो सीधी रखी हुई है हमने। और इसको हम जो अटैच कर रहे हैं वो बैक साइड से अटैच कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने पार्ट को रखा हुआ है। रखने के बाद दोस्तों हम आधा इंच का मार्जिन लेकर इसको कच्चा कर लेंगे। और फ्रेंड्स जैसे आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एलडी टेलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी ऑन कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो बाजू को कच्चा करने के बाद दोस्तों हमने इसमें एक पार्ट में चटके लगा लिए हैं। दोस्तों चटका लगाने से ये होता है कि आपकी जो बाजू है वो अच्छी तरीके से बैठ जाती है, यानी जब हम बाजू में सिलाई लगाएंगे ऊपर की तरफ से। तो इस तरह से हमारी ये बाजू अटैच हो गई है। इसी तरीके से आपको सेकंड बाजू को भी अटैच कर लेना है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसकी हम साइडें बंद करेंगे। तो इस तरह से हमने पार्ट को रख लिया है, यानी जो सीधे वाले हिस्से हैं वो अंदर की तरफ हैं। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब इसकी हम साइड पॉकेट लगाएंगे। तो साइड पॉकेट हमारी जो पहले ही बनी हुई थी तो उसी साइड पॉकेट को हम इसमें अटैच करेंगे। तो चलिए वो देखते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कुर्ता है उसको हम इस तरह से रखेंगे, जो इसका मार्जिन है वो हमारा बैक साइड में जाएगा। तो इस तरह से हम इसको मिलाकर रखेंगे अच्छी तरीके से, और जो हमारी पॉकेट है तो पॉकेट के इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर कर लेंगे पॉकेट का।
इस तरह से हम सेंटर पर रखेंगे इसको, और जितना मार्जिन हमने छोड़ा हुआ था तो उस मार्जिन पर हम पॉकेट को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम एक पैर का मार्जिन लेकर या आप एक सेंटीमीटर का मार्जिन लेकर पॉकेट को अटैच कर लेंगे, और इसी तरीके से आप पूरी पॉकेट को अटैच करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी जो पॉकेट है वो बनकर तैयार हो गई है। सेकेंड पॉकेट को भी आपको इसी तरह से बनाना है। दोस्तों, इस तरह से हमारे कुर्ते की स्टिचिंग हो गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।